तो दोस्तों राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि RCF के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बेसिकली इन्होंने अपना क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख में दिया हुआ है, मैं आपको क्रॉस में बताता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी ने 5575 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो मात्र 3699 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 6235 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 70% के आसपास की तेजी है क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने रेवेन्यू बहुत शानदार दिया है, क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों में एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5286 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3544 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 5918 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में इस क्वार्टर को आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 261 करोड़ था, पिछले साल 143 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 245 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 70% के आसपास बढ़ा है। उसी तरह कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास की तेजी है। लेकिन जब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर हल्की सी गिरावट आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का EPS देख लेते हैं, EPS के अंदर क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4.75 था, पिछले साल 2.59, जब अभी देखें तो 4.44 के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे, लेकिन याद रखिएगा इस क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया है। लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी ने जिस प्रकार से अपने रेवेन्यू को ग्रोथ दिया है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि नंबर इसको पॉजिटिव साइड पर रखा जाएगा। बस हल्की सी गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा क्योंकि साल दर साल एक मैसिव जंप है कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर भी 15% के आसपास की तेजी है रेवेन्यू के अंदर। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पे है, हो सकता है कि एक अच्छी खासी तेजी आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।